नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आज मैं अपने पुदीना के प्लांट के साथ आई हूँ। देखिए, मेरा पुदीने का प्लांट, जैसे हर पौधे जो हमारे बरसात के बाद फ़र्क पड़ जाता है पौधों में कि पत्तियाँ सूख जाती हैं और पीली होकर झड़ जाती हैं, तो वैसे ही पुदीना आप देखिए, मेरा पूरा पुदीना सूख गया है। और अब इसको हरा भरा करने के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी कि हरा भरा किस तरीके से पुदीना किया जाए। तो जाड़ों में थोड़ा सा पुदीने का जो ग्रोथिंग है पुदीने की थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन अगर जो आप सही से केयर करें तो फिर से हरा भरा पुदीना हो सकता है। तो आज मेरा इसी पर वीडियो है। अगर जो आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो में प्लीज़ लाइक करें और लास्ट तक बने रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन देखें वीडियो में। और ये देखिए, सदाबहार इसमें बीज कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ सदाबहार बहुत जल्दी, बहुत प्लांट इतना हर समय सदाबहार वाला प्लांट होता है, इसका नाम भी सदाबहार है। तो इसके अंदर देखिए जमाया प्लांट और इतना बड़ा हो गया, फ्लावरिंग करने लगा और ये लंबा सा होने लगा है। इसको लंबा से शॉर्ट करने के लिए, अगर जो या तो मैं इससे निकाल ही दूँ बाहर, लेकिन हम कोई भी जो हमारे फ्लावर के प्लांट होते हैं बहुत ही कम निकालती हूँ, जो ज़रूरत अगर जो उनकी कोई अड़चन ना हो। तो इस पॉट में किनारे किनारे दो हो गए हैं, कोई बात नहीं, और तो इनको मैं कटिंग कर दूंगी और फिर छोटे छोटे से रहेंगे। लेकिन फिर फिलहाल अब तक फ्लावर कर रहे हैं तो बढ़िया खूबसूरत सा हमारा पॉट लग रहा है। इधर से फ्लावर तो उधर से फ्लावर, दोनों तरीके से फ्लावर हमारे फ्लावर केस में निकले हैं। तो अब मैं पुदीने के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। देखिए, ऊपर के स्टेम जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सी हरी हरी पुदीने की पत्तियाँ लगी हैं, बाकी सब सूख गई हैं। देखिए कैसे सूख गए, जैसे हमारे आजकल गुड़हल और गुलाब की पत्तियाँ झड़ रही हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सब पूछते हैं कि हमारे गुड़हल की पत्तियाँ फाल हो रही हैं, गुलाब की पत्तियाँ फाल हो रही हैं। बस इनका यही रीज़न होता है कि बरसात के बाद जब हमारे जाड़ों के सीज़न में हमारे प्लांट्स आते हैं तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ज़रूर झड़ जाती हैं और फिर सिरे से पत्तियां निकलती हैं। जैसे जिस तरह से एक बार पतझड़ में सारे पत्ते गिर के बाद में नए सिरे से पत्तियां निकलती, उसी तरीके से बरसात के सीज़न के बाद जब हमारा अक्टूबर नवंबर आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर इन महीनों में हमारी पत्तियां झड़ के नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। तभी हमको खाद वाद की देने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पत्तियां जब निकालने लगती हैं, पत्तियां एक फाल झड़ जाती हैं उसके बाद नई पत्तियां निकलती, तो उनको खाद देने की ज़रूरत होती है। आज मैं बताने चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने पुदीने की केयर करें। तो सबसे पहले उस ये पुदीने की जो लंबी लंबी स्टेम हो गई, लंबी लंबी सी, अब इनमें नीचे से सूख गया है तो इनको हम काट देंगे। और देखिए, नीचे से इसमें बीज झड़े हैं, पुदीने के बीज। मैंने आपको उनको एक वीडियो अपडेट किया था तो पुदीने के बीज मैंने दिखाए थे, वही पुदीने के बीज झड़े हैं और नीचे से छोटे छोटे से पौधे भी उगे हैं। तो इनको इनकी केयर अब इस समय यही है कि सबसे पहले आप पुदीने की जितनी सूखी स्टेम है सारी हटा दें, सारी काट दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें स्टेम को काटनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे अपनी, आपके पास सीजर है, इसको पहले धुल लें सही से। और जो स्टेम इसमें छोटी छोटी सी नीचे से जो आपको सूखी हैं सारी आप स्टेम हटा दें इसकी। और मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ हटा के, और जो जो आप स्टेम हटाएंगी, अगर जो वही आप किसी मिट्टी में गाड़ दें फिर से, तो आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी ये भी कि किस तरीके से नया प्लांट इसी इन्हीं इन्हीं के जो सूखे प्लांट हैं इन्हीं से नया प्लांट कैसे उगाएं। और जो नीचे की जो जड़ बच जाती इससे फिर से हरा भरा आपका पुदीना होगा। और देखिए इस तरीके से मैंने सारी सब इनकी जो सूखी 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 जो जड़ें थी, सूखी सूखी जो देखिए स्टेम है, तो सब मैंने सब काट दी। थोड़ी बहुत हरी हरी है तो इन्हीं से हम दूसरा प्लांट ग्रो करेंगे। तो आप देखिए मैंने छोटे छोटे इसमें पौधे निकले हैं बहुत, देखिए हर जगह पे ये पुदीने के ही है क्योंकि इसमें बीज झड़ जाता है और फिर पौधे निकल आते। तो अब इनमें हमको ये देखिए मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, इसमें पूरी कटिंग कर दी है, कुछ में कुछ पौधे नहीं बचे इसमें पहले पुराने। अब इसको ये देखिए इस तरह की जो जड़ें हैं, जड़ों से फिर से अगर जो हम खाद इसमें देंगे तो यहाँ से फिर से हरे हरे होने लगेंगे। तो हल्की सी गुड़ाई करने के बाद में इनकी हल्की सी हम किनारे किनारे से गुड़ाई कर देंगे, जिससे हमारी जड़ें भी ना कटें और हल्की सी मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाए। जहाँ पे जड़ें हैं वहाँ बिल्कुल ना गुड़ाई करें और जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी किनारे किनारे से गुड़ाई कर दें, जिससे हमारी मिट्टी हल्की सॉफ्ट हो जाए। और इसमें गोबर की सड़ी खाद या फिर आपकी पत्तियों की खाद है या गोबर की सबसे बेस्ट खाद उस समय रहती है। गोबर की खाद देने के बाद में इसमें गोबर की खाद दें, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। सबसे पहले तो गुड़ाई जगह जगह कर लें,
गुड़ाई करने के बाद में गोबर की सड़ी खाद, गोबर की खाद में सब कुछ हमारे पौधों को जो मिलना चाहिए, हमारी जड़ों को जो पौधे के मिलने चाहिए, पुदीना है या धनिया है, कोई भी चीज़ हो, आप धनिया इस समय लगाने का बेस्ट सीज़न है, धनिया लगा सकते हैं। गोबर आप गार्डन सॉइल में, गोबर की सड़ी खाद गार्डन सॉइल में धनिया छिड़क दें, भिगो के एक दिन भिगोने के बाद में धनिया आप छिड़क दें तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जमती है। तो ये हमारी गोबर की सड़ी खाद मिट्टी मिली हुई है, बिल्कुल सूखी खाद है और बहुत पुरानी खाद है गोबर की, और इसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल मैंने मिलाई है, गार्डन सॉइल और गोबर की सड़ी खाद को इसके हमारे प्लांट में चारों तरफ से आप इस तरीके से चारों तरफ से जहाँ पे आपने हमने कटिंग की है वहाँ पे जड़ें हैं, हर जगह पूरी जड़ें फैली हुई हैं। तो जब हमारी पौधा सूख जाता है उसके बाद में गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप कटिंग कर दें, जो सूखे हुए प्लांट को, जैसे कि मैंने सूखी सूखी जो स्टेम है उनको मैंने निकाल दिया है। अब मैं इनमें देखिए छोटे छोटे से पौधे उगे हैं जगह जगह पर, और जगह जगह पर जो जड़ें हैं वो फिर से हमारी हरी होने लगेंगी। और खाद पानी की ज़रूरत होती है, जब कोई भी पौधा आप काटें तुरंत उसमें खाद भरें, और खाद भरने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा किस टाइप से मैं अपने पुदीना को हरा भरा फिर से करूँगी, और आपको दोबारा फिर से इसका वीडियो दिखाऊँगी कि जब हमारा एक हफ्ते के अंदर देखिएगा हमारा ये पुदीना बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और ये मैंने खाद मिट्टी, पूरी खाद मिट्टी आप चारों तरफ से इसमें दे दें, क्योंकि हमें खाद मिट्टी की ज़रूरत होती है ज़रूर पौधों के लिए, और हर समय हमारे पास घर में अवेलेबल रहती है। और ये सरसों की खली का फर्टिलाइजर जो हर समय हमारे पास भीगता रहता है पानी मिला हुआ, आप चारों तरफ से सरसों की खली का फर्टिलाइजर बेस्ट फर्टिलाइजर है हमारे किसी भी पौधे के लिए इस समय आप दे सकते हैं, चाहे गुलाब हो, चाहे गेंदा हो, चाहे गुलदावरी हो, चाहे गुड़हल हो, कुछ भी हो, कोई भी पौधा हो, चाहे पुदीना हो, चाहे धनिया हो, किसी में भी आप पानी मिला हुआ बिल्कुल शरबत की तरह इसी तरीके से आप अपने पुदीने को फिर से हरा भरा कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक हफ्ते के अंदर हमारा पुदीना फिर से हरा भरा हो जाएगा, और ये जो पुदीना हमारा जो इसकी स्टेम है इनकी इनको ही हम छोटे छोटे से काट के इनको मिट्टी में और खाद में अगर लगा देंगे तो हमारे फिर से ये पुदीना हरा, फिर से ये हमारे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। बीज से तो तैयार होते हैं लेकिन हमारी ये छोटी छोटी सी कटिंग लग जाती है पुदीने की, कहीं पे भी आप मिट्टी और गोबर की खड़ी खाद में इनको लगा दें आपकी पुदीना फिर से चल जाता है। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो हमारे पुदीने के प्लांट के केयर के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आप भी केयर करें जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से कटिंग करने के बाद में गोबर की सड़ी खाद में मिट्टी मिला के आप थोड़ी सी गुड़ाई करके इसमें खाद भरें, उसके बाद में जो हमारा सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है आपने सभी पौधों को दें। और मेरा आप लोगों को दोबारा से नमस्कार, थैंक यू।